वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई कंगना रनौत की फैन नहीं हूं, बट जो चीजें हमारे भारत में हो रही है ना, कि कंगना रनौत को थप्पड़ नहीं पड़ा कि हमारे इंडिया में जश्न मन रहा है, कोई गाने बना रहा है, कोई सीआईएफ को शाबाशी दे रहा है, कोई कह रहा है कि अगर उसको नौकरी से निकाला गया तो मैं जॉब दूंगा, अच्छा ठीक है ओके। फिर उसके बाद कोई कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ठीक है आप लोग इशारा समझ ही गए होंगे। कोई अच्छे लोग हैं जैसे कि जिनके पक्ष विपक्ष में लड़ी थी ये, वो बल्कि भले आदमी निकले, उन्होंने बकायदा बहुत अच्छे से ट्वीट किया है कि नहीं ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो समझदार है। आप लोग को समझ नहीं आ रहा, आप लोग को सिर्फ ये दिख रहा है ना कि ये सीआईएफ जवान कंगना रनौत को मारी है, अब कंगना रनौत को जिससे भी प्रॉब्लम हो वो लोग खुश है, बट उनको ये नहीं पता कि आम जनता के द्वारा कंगना रनौत नहीं पीटी है, क्योंकि इसके भी पहले केजरीवाल के ऊपर हाथ छूटे हैं, कन्हैया लाल के ऊपर हाथ छूटे हैं, बट वो आम जनता है, उसके ऊपर वो आम जनता के ऊपर कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि हम पब्लिक में जाते तो हमको डर लगता है कि कोई हम पे हमला ना कर दे, बट सीआईएफ जवान का मतलब भी आप लोग समझते हो, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कल को वो लोग भी एयरपोर्ट से कहीं जाते हैं, अगर कोई पर्सनली सीआईएफ जवान ही अपना पर्सनली दुश्मनी निकालने पे उतर आए तब तो हम लोग कहीं सेफ नहीं है, क्योंकि ये लोग सुरक्षा बल हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, हर जगह इन्हीं को लगाया गया है, सांसद में आप जा रहे हो, सांसद में बैठ रहे हो तो इन्हीं की सुरक्षा के अंतर्गत आप रहते हो, और ये दिन दूर नहीं है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना उन लोग के भी ऊपर ये चीजें हो सकती है, अगर किसी से प्रॉब्लम है तो हमारे इंडिया में बहुत लॉ है, कोर्ट जाइए, उसके खिलाफ लड़िए, अगर राजनीतिक में उतर जाइए, जैसे बदला नहीं ले लीजिए, लेकिन ऐसे पब्लिकली सिक्योरिटी में इंसान जा रहा है अपना चेकिंग कराने, उसी में हम थप्पड़ जड़ दिए, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। आप लोग ये मत सोचो, कंगना का फेस आप मत देखो, आप ये देखो कि सुरक्षा बल के द्वारा किसी सांसद को मारा गया है। अब कंगना रनौत को अगर आप लोग जानते हो तो कंगना रनौत को लोकसभा को जीत कर आने को जाना जा सकता है, जैसे लोकसभा मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ी हिमाचल प्रदेश में और वहां से बीजेपी के टिकट पर जीत कर सांसद बन चुकी है। अब क्या हुआ, सेंट्रल हॉल में मीटिंग हो रही थी एनडीए की, उस बैठक में भाग लेने के लिए कंगना को मतलब आना था, तो वो चंडीगढ़ से फ्लाइट ली, फ्लाइट में जाने से पहले आप लोगों को पता है कि सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और उस सिक्योरिटी चेकिंग में उस महिला सीआईएफ जवान के द्वारा उनको थप्पड़ मार दिया गया, ये कहां का इंसाफ है। अगर आपको प्रॉब्लम है और जिसपे उन्होंने बयान दिया है उस पे तो केस चल ही रहा है ऑलरेडी, उनपे मानहानि का केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अटैक करना, तो आप तो किसी पे भी अटैक कर सकती है ना, हमारे प्रधानमंत्री इन्हीं सुरक्षा बलों के बीच रहते हैं पूरे, इनको अब जैसे बीच में सीआईएफ का मतलब क्या है, अर्ध सैन्य बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ये वही सीआईएफ है जिसमें हाल ही में भारत के नई संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है अपने हाल के लिए। बट कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि भारत के संसद की सुरक्षा के अंदर कुछ चूक हो गई थी, जिनका पूरा एनालिसिस किया गया, उसके बाद से सीआईएफ को ये सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा मेंबर पार्लियामेंट को थप्पड़ मारा जाना, और वो भी एक ऐसे कारण से जिस कारण में कोई प्रोटेस्ट जिम्मेदार था, और उसकी वजह से वो अपना जो भी रिजोल्यूशन देती हैं, रिएक्शन देती हैं, इस पे थोड़ा सोचिए आप लोग कि क्या हमारे संसद में बैठे हुए संसद, ये 3317 जो सीआईएफ के अंदर में सुरक्षा बल के अंदर है, क्या हमारे संसद सेफ है। वो दिन दूर नहीं है, 1984 में इंदिरा गांधी का यही सिक्योरिटी बल के द्वारा उनको मार दिया गया, पाकिस्तान में भी यही चीज हुआ। तो ये सुरक्षा बल को जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ना, वो आपके ऊपर भी आ सकता है, सारे नेताओं की बातें हो रही है या कोई किसी की भी बातें हो रही हो, अगर आप बड़े लोग हैं ना तो आपको भी सिक्योरिटी कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, और ये लोग जाएंगे और इसमें जिसका आपका पर्सनली दुश्मनी हो वो लोग निकाल लेंगे, जो आज आप हंस रहे हो ना, आज सपोर्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर भी हो सकता है। ये बहुत गहरी समस्या है, हमारे इंडिया में किसी से भी बदला लेने का ये चीज नहीं है, और सीआईएफ जवान के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, मैं एक सीआईएफ जवान पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत सरकार का एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों और हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। यह 10 मार्च 1963 को स्थापित किया गया था, सीआईएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी, इनके काम क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करना, आतंकवादी हमलों और अन्य सुरक्षा खतरों में इन प्रतिष्ठानों की रक्षा करना। जब आतंकवादी हमलों के लिए सुरक्षा करना, तो ये लोग खुद आतंकवाद बन गए तो आप लोग का क्या होगा, आप लोग खुद सोचिए, जो लोग बढ़ चढ़ के आगे सपोर्ट कर रहे हैं ना उनके लिए दिक्कत है। इन प्रतिष्ठानों में कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना, वीआईपी सुरक्षा प्रदान करना, आग बुझाने आपदा प्रबंधन कार्यों में सहायता करना, हर चीज में इनकी सिक्योरिटी है कि वो सेफ करे लोगों को। सीआईएफ के नियम क्या क्या हैं, ये पढ़ लीजिए, सीआईएफ के कई नियम हैं जो उनके कर्मियों और उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जिनकी वह सुरक्षा करता है। इनमें से कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। प्रवेश नियंत्रण, सीआईएफ द्वारा सुरक्षित सभी प्रतिष्ठानों में प्रवेश के लिए उचित प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे विस्फोट, अग्नाशस्त्र
और अन्य खतरनाक वस्तुओं को सीआईए द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों में लाने की अनुमति नहीं होती है। सीआईए द्वारा सुरक्षित प्रतिष्ठानों में सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। फोटोग्राफी की भी इनको मतलब नहीं मिलती है, प्रतिबंधित होती है। फिर उसके बाद सीआईए कुछ संबंध मतलब कुछ महत्व, सीआईए भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। सीआईए के में लगभग 1.75 लाख कर्मी काम करते हैं। सीआईए भारत के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 3,300 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ये सुरक्षा कर्मी है। अगर सुरक्षा कर्मी ही अटैक करने लग जाए तो पूरा हमारा भारत ही सुरक्षित नहीं है। फिर तो सीआईएफ ने कई आतंकवादी हमलों और अन्य सुरक्षा खतरों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना सी पढ़ के कोई कैसे पागल हो सकता है कि यार मतलब इसको जश्न मना रहा है, ये कदापि ठीक नहीं है। और जो कंगना रनौत ने बोला वो गलत बोला, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट उसका तरीका होता है, कोई भी चीज का तरीका होता है। दैट्स इट।